हेलो एवरीवन, दिस इज़ भव्या रामपाल, योर ट्रेनर एंड गाइड फॉर क्रैकिंग सीटेट एग्ज़ाम, एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म दैट इज़ लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप यू ऑल आर स्टडिंग वेरी हार्ड, राइट? ओके स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मेरी ये जो वीडियोज़ हैं वो सिर्फ सीटेट एस्पिरेंट्स के लिए ही नहीं हैं, बट अगर आप पीटेट या केवीएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरी ये वीडियोस रियली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। व्हाई? बिकॉज सीटेट हो, पीटेट हो या केवीएस हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता है और जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो भी वन एंड ऑल सेम ही होता है। सो अगर आप सीटेट, पीटेट या केवीएस में से या कोई भी और भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस देखें और इनको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। ओके क्लास, सो आज की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी या आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो इन दैट प्रीवियस वीडियो आई हैव स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, राइट? और अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में 4 स्टेजेस करवाई थी पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की। उसी थ्योरी का अब नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ, दैट इज़ कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है? ये उसी थ्योरी का एक कंटिन्यूस पार्ट है। ओके, सो येस्टरडे हमने पढ़ी थी 4 स्टेजेस, दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आज मैं आपको करवाऊंगी कॉग्निटिव प्रोसेस और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। ओके, हियर वी गो। सबसे पहली बात जो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस में आती है वो है स्कीमा। क्लास, बहुत ही सिंपल वर्डिंग में मैं आपको मीनिंग बताऊंगी स्कीमा का। स्कीमा क्या है? स्कीमा सिर्फ और सिर्फ जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है आपके माइंड में, ठीक है, आपके ब्रेन में किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग या किसी भी कंसेप्ट के रिगार्डिंग जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो आप कहीं ना कहीं आप जानते हो, जो आपके माइंड में प्रिसीव्ड एग्जिस्टिंग नॉलेज है, वो क्या होती है? स्कीमा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूँ आपको फिश, ठीक है, तो जैसे ही मैंने आपको फ़िश बोला, आपके दिमाग में क्या आया? आपके दिमाग में स्कीमा जनरेट हुआ। अब स्कीमा क्या है? एग्जिस्टिंग नॉलेज जो ऑलरेडी आपको पता है कहीं ना कहीं। तो फिश सुनते ही आपके दिमाग में क्या आएगा कि फ़िश इज़ अ वाटर एनिमल, ठीक है? फ़िश हैव गिल्स, फ़िश यू नो शी वो सांस लेती है अपने गिल्स के थ्रू। सो ये जो ऑलरेडी नोन चीज़ें हैं या जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है आपकी, वो क्या होगा? आपका स्कीमा। पढ़ लेते हैं, अ स्कीमा इज़ आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंसेप्ट, ठीक है? जो भी कंसेप्ट है आपके माइंड में ऑलरेडी अंडरस्टूड है, वो कंसेप्ट वो क्या होता है? आपका स्कीमा। द नेटवर्क ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इन आवर माइंड्स वी हैव रिलेटेड टू एन आइडिया, कि जो स्कीमा है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में प्री डिफाइंड होता है, पहले से ही होता है, ठीक है? समटाइम्स आर स्कीमा कैन बी अप्लाइड टू न्यू सिचुएशंस एंड समटाइम्स आर स्कीमाज आर नॉट सफिशेंट फॉर अ न्यू सिचुएशन। कहने का मतलब, एग्जिस्टिंग नॉलेज कहीं ना कहीं हमारे किसी भी नए सिचुएशन को यू नो अप्लाई करने में हमारे काम आती है और कभी ना कभी ये काम नहीं भी आती, ठीक है? सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके, स्कीमा इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, योर एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट और सर्टेन कंसेप्ट। आई होप स्कीमा इज क्लियर टू यू। ओके, स्कीमा के बाद आता है हमारे पास सेकेंड चीज़, वो है असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बता रही हूँ। जब हम अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को किसी भी नई सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? असिमिलेशन। मतलब हमारी जो करंट नॉलेज है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, अगर हम उस नॉलेज को किसी नई सिचुएशन में
अप्लाई करके देख रहे हैं या उसको अप्लाई कर रहे हैं किसी भी नई सिचुएशन में या नए ऑब्जेक्ट में, तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? असिमिलेशन. सो यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा, ओके, यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा मतलब हम अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं टू डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इन्फॉर्मेशन इन टू आर प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमा इज कॉल्ड असिमिलेशन. मतलब हम अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को किसी भी नई सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं. ओके, इज दैट क्लियर? इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं गाइज. अब यहाँ पे एक बच्चा दिखाई दे रहा है आपको, बॉय सॉ एन एरोप्लेन. अब एक बच्चे ने एक एरोप्लेन देखा एंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्कीमा ही कॉल इट अ बर्ड. ठीक है, अब एक छोटा सा बच्चा है, उसके दिमाग में स्कीमा क्या है? बर्ड का, कि जो भी चीज़ हवा में उड़ सकती है वो क्या होगा? वो बर्ड होगा. तो सडनली उसने हवा में एरोप्लेन उड़ता हुआ देखा, तो उसका एग्जिस्टिंग स्कीमा क्या था? कि जो भी उड़ने वाली चीज़ है वो बर्ड है. तो उसने उस एरोप्लेन को क्या बोल दिया? बर्ड. ठीक है, तो ये बॉय क्या कर रहा है यहाँ पे? अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को नई सिचुएशन में अप्लाई कर रहा है. ओके, सो बॉय सॉ एन एरोप्लेन एंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्कीमा ही कॉल्ड इट अ बर्ड. दिस इज कॉल्ड असिमिलेशन. ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग. नेक्स्ट इज अकोमोडेशन. अब अकोमोडेशन क्या होता है? जब हमने एग्जिस्टिंग स्कीमा को न्यू सिचुएशन में अप्लाइड दैट. ठीक है, अब अकोमोडेशन क्या होता है? चेंज. मतलब जब हमने अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को असिमिलेट किया, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? अकोमोडेशन. मतलब हमने अपने स्कीमा को मैनिपुलेट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया हमने अपने नॉलेज को. ठीक है, अनदर पार्ट ऑफ अडेप्टेशन इन्वॉल्व्स चेंजिंग एंड ऑल्टरिंग अवर एग्जिस्टिंग स्कीमास. ठीक है, कि हमने अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को हमने चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया. ठीक है, इन द लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, अ प्रोसेस नोन एज अकोमोडेशन. अकोमोडेशन इन्वॉल्व्स ऑल्टरिंग मतलब मैनिपुलेट करना या चेंज करना. सो अकोमोडेशन इन्वॉल्व्स ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास. जब हम अपने एग्जिस्टिंग स्कीमास को, एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को, एग्जिस्टिंग नॉलेज को बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं या बिल्कुल ही मॉडिफाई कर देते हैं, उस चीज़ को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? अकोमोडेशन. एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू एक्सपीरियंसेस. ठीक है, अब अकोमोडेशन कब होगी? जब हमारे पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आ गई या जब हमारे पास कोई नया एक्सपीरियंस आ गया. ठीक है, नई इन्फॉर्मेशन को हम चेंज कर देंगे हमारी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन से, या नए एक्सपीरियंस को हम चेंज कर देंगे हमारी प्रीवियस एक्सपीरियंस से. न्यू स्कीमा में आल्सो बी डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. ऑफकोर्स जब आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा बिल्कुल ही चेंज हो गया, तो वो क्या बन जाएगा? आपका बिल्कुल ही फ्रेश स्कीमा. एक न्यू स्कीमा जो है अकोमोडेशन के थ्रू हम क्रिएट करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं. जैसे मैंने आपको असिमिलेशन की एग्जाम्पल दी थी कि बॉय सा एन एरोप्लेन एंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्कीमा ही कॉल्ड इट अ बर्ड. ठीक है, ये उसका असिमिलेशन प्रोसेस है. ठीक है, अब जब उसकी मदर उसको ये मदर टोल्ड हिम इट्स एन एरोप्लेन. अब मदर ने उसके असिमिलेशन प्रोसेस को रोक दिया. ठीक है, क्यों रोका? बिकॉज उसको पता है कि जो मेरा बच्चा है वो गलत प्रिडिक्ट कर रहा है. ओके, तो मदर उसको मदर भी टोल्ड हिम दैट इट इज़ नॉट अ बर्ड, इट इज़ एन एरोप्लेन. ठीक है, सो एंड इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. मतलब मदर ने अपने बच्चे के दिमाग में एक नया स्कीमा क्रिएट करने की कोशिश की, उसको बताया, उसको रेक्टिफाई किया कि नो, एरोप्लेन इज़ नॉट अ बर्ड. ठीक है, ये एक ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है जो हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लेके जाता है, और ये नॉन लिविंग थिंग है. ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ न्यू स्कीमा नाउ बॉय केम टू नो दैट डिफरेंस ऑफ बर्ड एंड एरोप्लेन, एंड नाउ ही कैन करेक्टली
रिकॉग्नाइज इट, दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। अब देखो यहाँ पे अपने मदर के बताने से उस बच्चे ने अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को बिल्कुल ही चेंज कर दिया और उसको पता लग गया कि हर उड़ने वाली चीज़ जो है वो बर्ड नहीं होती। तो उसने उसको क्या बोला कि अच्छा ये एक एरोप्लेन है, मतलब उसका जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है वो मॉडिफाई हो गया, वो चेंज हो गया। ठीक है, सो ये जो चेंज ऑफ स्कीमा है ये क्या हो गया आपका, अकोमोडेशन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रियम से वर्ड बना है इक्विलिब्रेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, बैलेंस बनाना, ठीक है, इक्विलिब्रियम बनाना, ठीक है, सेम लेवल पे होना, ठीक है, टू क्रिएट अ बैलेंस, दैट इज़ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रेशन में क्या है कि जब हमारे असिमिलेशन और अकोमोडेशन में अगर बैलेंस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रेशन। अगर असिमिलेशन और अकोमोडेशन में बैलेंस नहीं है या इम्बैलेंस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसइक्विलिब्रेशन। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इक्विलिब्रेशन की। पियाजे बिलीव दैट ऑल चिल्ड्रन ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट जो है वो क्या करता है, वो ट्राई करता है कि वो अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज में और न्यू नॉलेज में बैलेंस बना के रखे। ठीक है, विच इज़ अचीव्ड थ्रू अ मैकेनिज्म पियाजे कॉल्ड इट इक्विलिब्रेशन। As children progress through the stages of cognitive development, it is important to maintain a balance between applying previous knowledge. Guys, please, understand this concept. अब balance वो कैसे create करेगा बच्चा, अपनी previous knowledge को apply करने में और उस previous knowledge को change करने में। ठीक है, and changing behavior to account for new knowledge, that is accommodation. Equilibration helps explain how children can move from one stage of thought to the next. अब इस बात को समझो, अगर assimilation और accommodation में balance होगा तभी जो है right schema को हम form कर सकते हैं, right schema को बना सकते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे का mind किसी भी schema को या किसी भी knowledge को manipulate करने में सक्षम नहीं है तो वो क्या होगा, वो डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो सेम एग्जांपल ले रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए। अब देखो असिमिलेट किया उसने, अकोमोडेट किया। अब देखो अकोमोडेट के बाद उसका जो स्कीमा है ही इज़ इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाई? बिकॉज उसने बहुत ही हैप्पीली और बहुत ही इफ़ेक्टिवली अपना जो स्कीमा है उसको अपडेट कर दिया, उसको मैनिपुलेट कर दिया। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम इज़ अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग। अब डिसइक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम का बिल्कुल ही ऑपोजिट क्या होगा हमारा, डिसइक्विलिब्रियम। जब एक बच्चा असिमिलेशन और अकोमोडेशन में बैलेंस क्रिएट करके नहीं रख पाता, ठीक है, या जब वो नई स्कीमा को या नए इन्फॉर्मेशन को या नई नॉलेज को क्रिएट नहीं कर पाता या चेंज नहीं कर पाता, उस सिचुएशन में वो क्या हो जाता है, वो डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट में चला जाता है। ठीक है, अब देखो कंट्राडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, उसके माइंड में आप कह सकते हो कंटिन्यूस कंट्राडिक्शन है। ठीक है, डिसकम्फर्ट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। किस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज में और उसकी जो मैनिपुलेटेड नॉलेज है उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, ही इज़ अनएबल टू अकोमोडेट दैट थिंग टू अ प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा दैट प्रमोट्स कोग्निटिव चेंज। ठीक है, कि वो उस चेंज को एक्सेप्ट करने में एबल नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है जो उसने समझा और जो एक्चुअली में हुआ। ठीक है, सो एक पिक्टोरियल से हम समझेंगे इन तीनों कॉन्सेप्ट को और समझेंगे कि इक्विलिब्रेशन का क्या रोल है असिमिलेशन में और अकोमोडेशन में। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हो इट्स अ सीसा डायग्राम। ठीक है, अगर असिमिलेशन नीचे है या अकोमोडेशन ऊपर है तो ये क्या होगा, डिसइक्विलिब्रेशन। ठीक है, या अगर
अकोमोडेशन नीचे हो जाएगा या असेंबलेशन ऊपर हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रेशन। अब इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रेशन कब होगा, जब असेंबलेशन और अकोमोडेशन सेम लेवल के ऊपर है, ठीक है, और तभी यहाँ पे न्यू नॉलेज क्रिएट होगी या जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो अपडेट होगी, ठीक है। ओके, अब कैसे हम डेवलप कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं इक्विलिब्रियम, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, इसको ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्कीमा की, ठीक है। स्कीमा क्या है, एग्जांपल लेके हम इस चीज़ को समझेंगे। अ 2-year-old चाइल्ड बिलीव्स दैट डॉग्स आर 4-legged एनिमल्स विथ फर, ठीक है। अब ये एक छोटे से बच्चे का, 2 साल के बच्चे का ये स्कीमा है कि उसका एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है कि डॉग जो है उसके 4 legs होते हैं और उसके स्किन पे क्या होता है, फर होता है, ठीक है। अब उसका एक्सपीरियंस क्या करता है असिमिलेशन में, कि वो क्या करेगा, दिस 2-year-old सीज अ कैट एंड सेज लुक एट द डॉगी, ठीक है। अब उसने क्या करा, उसने असिमिलेट किया, उसने असिमिलेट किया, क्या असिमिलेट किया, उसने कैट को देखा, ठीक है, और कैट को उसने क्या बोल दिया कि ये डॉगी है। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है कि 4 legs वाला और फर वाला जो एनिमल है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या होगा, वो डॉग होगा, तो उसने कैट को डॉग बना दिया, एग्जिस्टिंग नॉलेज को उसने न्यू सिचुएशन में फिट कर दिया, ठीक है। अब डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, डिसइक्विलिब्रियम तब होगा जब हम उसको यहाँ पे ये करने से रोकेंगे, ठीक है। द पेरेंट सेज नो दैट्स नॉट अ डॉगी दैट्स अ कैट, ठीक है। अब यहाँ पे उस बच्चे के पेरेंट्स ने उसको रोक दिया कि नो दिस इज़ रॉन्ग, ये कैट है, ये डॉगी नहीं है। अब यहाँ पे बच्चे के माइंड में क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम हो गया, क्यों, क्योंकि वो इस चीज़ को अभी मैनिपुलेट करने में एबल नहीं है, ठीक है। ही वॉन्ट सम एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफ कैट और कुछ ऐसी और उसको नॉलेज चाहिए जिससे वो अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को अपडेट करे। अब अकोमोडेशन में क्या होगा, द चाइल्ड डेफिनेशन ऑफ डॉग चेंजेस, अ डॉग हैज़ 4 legs एंड फरी एंड डज नॉट से मियाऊ, ठीक है। अब उसके पेरेंट्स ने उसके एग्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज कैसे किया, एग्जाम्पल देके कि डॉग जो है वो क्या करते हैं, दे बार्क, लेकिन जो कैट है वो शी ऑलवेज डू मियाऊ। इसका मतलब यहाँ पे उस बच्चे ने उस चीज़ को ग्रैब कर लिया, ईजीली ग्रैब कर लिया, और ग्रैब करने से क्या होगा, उसका जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है वो अपडेट हो गया। सो जब आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज एग्जिस्टिंग स्कीमा अपडेट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। और जब ये सेटिस्फाइली और हैप्पीली हो जाता है तो बच्चा क्या हो जाता है, वो इक्विलिब्रेशन की स्टेट में चला जाता है, ओके। सो आई होप क्लास की आपको ये जो भी कंसेप्ट है सारा, स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, या कुछ भी आपको ऐसा है कि समझ नहीं आया, कुछ भी आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर अपने कमेंट्स डालिएगा और जस्ट लेट मी नो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके एग्जिस्टिंग स्कीमास चेंज हुए या नहीं हुए, ठीक है। सो विद दिस आई भव्य रामपाल साइनिंग ऑफ, और हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय।